प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की विधि एवं कथा। इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का ही होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए ये व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी, कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहो, उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने नहीं। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीजों का भोजन ग्रहण करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में ही जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहो,
ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगकर दीर्घकाल तक जीवित रही। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभी सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ना हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए आ रहा है, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित ना समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित किया, अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है। त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ये वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के तीन मुख थे। एक मुख से वह सोमपल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहूति दैत्य के नाम पर भी दे दीजिए तो अति उत्तम हो। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहूति देते समय दैत्य नाम भी धीरे धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के तीनों सिर काट डाले।
मध्यपान करने से भमरा, सोमपल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से तीतर बना। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के एक वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां गए। उस ब्रह्म हत्या के चार भाग किए, उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बीज बोने के लायक भी नहीं होती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहां पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे फेन और सिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट होते हैं।